तो आज की मूवी की स्टोरी आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है, तो इस वीडियो को वही लोग देखें जो कि हर तरीके की कहानी को हजम कर सकते हैं बिना हाजमोला के। और जिसको ये मूवी हजम हो गई वो इस मूवी को समझ जाएगा कि हाँ, दुनिया में ऐसा भी होता है जहाँ पर हमको ये आदमी दिखाया जाता है, सॉरी ये लड़का दिखाया जाता है। जी हाँ, इसकी उम्र है लड़कों वाली, शक्ल जरूर आदमी वाली है, पर इसकी जिंदगी में इतना दुख है कि आपको भी इसके लिए दुख महसूस होगा। तो इन महाशय का नाम है हार्ली, जिसकी बचपन से ही बुरी किस्मत ने मार ली। हार्ली जो कि अपने तीन और बहनों का पालन पोषण करता है क्योंकि उसका अपने घर में सबसे बड़ा है क्योंकि वो अपने घर में सबसे बड़ा है और बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ लेकर खड़ा है। दरअसल उसकी माता जी ने अपने हस्बैंड को मारकर अपने आप को जेल में बंद करवा लिया, इन चारों को अकेला छोड़ दिया और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण हार्ली ही करता है। हार्ली की सबसे छोटी बहन, इसका नाम होता है एशली, दूसरी बहन जिसका नाम होता है मिस्टी, और तीसरी बहन जिसका नाम होता है एम्बर, जो कि काफी ज्यादा बिगड़ी होती है, जो कि कम उम्र में ही टिंग से लेकर टोंग और टिंग से लेकर डोंग सब कुछ कर चुकी है। और हार्ली ये बात जानता है। अब जब हार्ली अपने घर आता है तब उसको मिस्टी बताती है कि एम्बर आज डेट पर जा रही एक लड़के के साथ। तब हार्ली जैसे उसको बुलाता है वो काफी कम वस्त्र पहनकर हार्ली से बात करती है। हार्ली कहता है एम्बर से कि तुम्हें अपनी बहनों की चिंता करनी चाहिए। तब एम्बर बोलती है, अबे तू के दिमाग से पैदल है, मिस्टी अब 12 साल की हो चुकी है और उसको काफी कुछ मालूम चल चुका है। और रही बात एशली की, तो उसकी देखभाल तेरी जिम्मेदारी है, मेरी भी लाइफ है, मुझको भी अपने तरीके से जीना है। क्या हुआ अगर तेरी लाइफ खराब हो गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी अपनी लाइफ खराब कर लूं। हार्ली भी गुस्से में आ जाता है कि हाँ मैं काम करता हूँ, पर तेरी लाइफ कैसी लाइफ, तू ट्रक के पीछे जाकर लोगों के साथ संस्कारी होती, उससे तो अच्छी है मेरी लाइफ। मतलब आप लोग इनकी बातों से समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। हार्ली की छोटी बहन एशली हार्ली से काफी प्यार करती है और उसकी बहन मिस्टी जो कि अब धीरे धीरे बड़ी हो रही और समझदार भी। हार्ली जो कि एक सुपरमार्केट में काम करता है और यहाँ से वो जितना भी कमाता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वो चाहता है कि अपने करियर में वो कुछ बड़ा कर सके, वो पढ़ाई लिखाई करे, पर उसके नसीब में यही सब लिखा, तो क्या वो घंटा अपनी लाइफ जी पाएगा। अब सुबह सुबह यहाँ पर कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर हार्ली एक महिला को देख रहा होता है। इस महिला का नाम होता है कैली। कैली हार्ली को जानती है क्योंकि वो उसके घर के थोड़ा पास में ही रहती है। कैली जिसके दो बच्चे हैं और पति काम के सिलसिले में ज्यादा टाइम बाहर ही रहता। हाँ मुझे मालूम है, इतना ही सुनने के बाद कईयों के दिमाग में घंटी बजी होगी, पर ऐसा भी कुछ भी नहीं होने वाला। तो कैली हार्ली से पूछती है कि तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा, तुम्हारी बहन ठीक है कि नहीं। तब हार्ली बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, पर मुझको थोड़े बहुत पैसे चाहिए। और कैली को भी बेचारे हार्ली की परिस्थिति पर दया आ जाती है। वो कहती है ठीक है तुम मेरे से ले लेना पैसे। अब हार्ली रोज की तरह थक हार के अपने घर आता है और वो जैसे ही सोने के लिए जाता है उसको बड़ी संस्कारी आवाजें आती हैं। वो कहता है ये कैसी आवाजें हैं, और वो जैसे ही बाहर जाता है एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोफे के ऊपर संस्कारी हो रही होती है। एम्बर उसको देख लेती है पर फिर भी रिएक्ट नहीं करती और हार्ली आ जाता है गुस्से में और वो बाहर जाकर फायर करता है 2 बार और एम्बर के इस नए बॉयफ्रेंड की फट के 64 हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है कि तुम्हारा भाई तो एकदम सीढ़ी इंसान है। पर हार्ली यहीं पर नहीं रुकता, वो सोफे को बाहर ले जाकर चला देता है क्योंकि उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि क्या बताएं। कि तभी वहाँ पर आ जाती है उसकी और 2 बहनें और एम्बर उसको खूब गाली देती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के तो एल लग ही चुके, तो तुम चाहते हो मेरी भी लाइफ की एल लग जाए। अब अगली सुबह हार्ली अपनी बहन एशली को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर मिस्टी और एम्बर नहीं आते। यहाँ पर उनकी माँ पूछती है कि और 2 बहनें क्यों नहीं आईं। तब हार्ली बोलता है क्योंकि उन दोनों को अपने हिसाब से जिंदगी जीना है और ये सब हुआ आपकी वजह से। दरअसल हार्ली का दिमाग फट रहा था। वो कहता है कि आपकी वजह से ये सब हुआ, आपने पापा को मारा और अब आप जेल में एंजॉय कर रही और मेरी लाइफ की एंड लगा दी है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और इसके बाद हार्ली का ट्रीटमेंट एक मनोचिकित्सक करती है। इस मनोचिकित्सक का नाम होता है जो कि धीरे धीरे करके हार्ली से सब कुछ उगलवा लेती। वो कहती है हार्ली से तुम क्यों परेशान हो। तब हार्ली बोलता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है परेशानी। पूरी कायनात मिलकर मेरे लाइफ के एन लगा रही, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मैं अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रहा। तब बेटी कहती है कि क्या तुम कभी किसी के साथ संस्कारी हुए। तब हार्ली हिचकिचा के बोलता है नहीं, पर मेरी बहन बहुत होती। तब बेटी बोलती है इसका मतलब तुमको अपनी बहन से जेलेसी हो रही कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय क्यों कर रही जबकि मेरी लाइफ के तो एन लगे पड़े। और हार्ली इतना सुनने के बाद कहता है कि मुझको काम पर जाना है, मैं फिर कभी आऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और हार्ली जाता है कैली के पास। देखो जाहिर सी बात है हार्ली को कैली पसंद है, वो बात अलग है कि कैली हार्ली से 10 साल बड़ी है। जी हाँ, देखने में हार्ली उसे 10 साल बड़ा लगता, पर क्या ही कह सकते। कैली बोलती है क्या हुआ। तब हार्ली बोलता है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था। तब कैली कहती है ठीक है,
अंदर आ जाओ, थोड़ा चाय नाश्ता कर लो। हार्ली कहता है ठीक है। तब यहाँ पर कैली उसके लिए नाश्ता लाती है और चाय की जगह बियर ने ले ली। और तभी वहाँ पर कैली की दोनों बच्चियाँ आती हैं और कैली उन दोनों को बाहर भेज देती है, क्योंकि अंदर वो करने वाली थी हार्ली के साथ कुछ भी नहीं। यार आप लोग बहुत जल्दी में रहते हो, रुको जरा सबर करो। तो अब कैली देती है उसको एक बुक पढ़ने के लिए, कहती है इस बुक को पढ़ के बताना तुमको कैसी लगी। और हम सभी को लगता है कि इतनी मोटी बुक कौन ही पढ़ेगा, पर भाई साहब जब इंसान को आशिकी चढ़ती है ना तो वो बुक क्या पूरा पहाड़ भी खोद देता। अब हार्ली आता है अपने घर जहाँ पे एम्बर उसकी शर्ट पहनी होती है। हार्ली कहता है कि मेरी शर्ट क्यों पहनी। तब एम्बर बोलती है कोई बात नहीं मैं उतार देती हूँ। और वो यहाँ पर सभी के सामने अपनी शर्ट उतारने लगती है। अब यहाँ पर देखने में हमको तो अच्छा लगता है। तब हार्ली बोलता है अरे स्मॉल डॉटर यू आर सॉरी छोटी बच्ची हो क्या, देखने रही हो तुम्हारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। एम्बर कहती है ठीक है ज्यादा गुस्सा मत हो, मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है और मिस्टी की भी पढ़ाई अब महंगी होने वाली है, क्योंकि वो बड़ी हो रही तो वो बड़ी क्लास में जाएगी और फीस भी बड़ी बड़ी देना पड़ेगी। तब हार्ली बोलता है हाँ तुम लोग पूरा हुक्का पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं कैसे इतने पैसे लेकर आऊंगा। तब एम्बर बोलती है कि तुम पापा का सीमेंट ट्रक चला लो। तब हार्ली बोलता है ट्रक चलाना हलवा है क्या तो चला लो। और एम्बर को एक और बात मालूम कि हार्ली कैली के साथ कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रहा। वो कहती है कि देखो वो है एक अकेली महिला और वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुमको फेंक देगी। तब हार्ली बोलता है कि तुम अपना मुंह शांत रखो, सही बात है वो अपनी क्रश के बारे में गलत कैसे सुन लेगा। और यही क्रश अगले दिन उसे सुपरमार्केट में मिलती है जहाँ पर हार्ली छोटे हार्ली की शेरवानी को सही क्रम में रख रहा होता है। कैली बोलती है कि तुम ये क्यों खरीद रहे। तब हार्ली बोलता है कि मैं सिर्फ इनको क्रम से लगा रहा। कैली पूछती है एम्बर से अच्छा तुमने वो बुक पढ़ी क्या। और यहाँ पर हार्ली भाई साहब उस बुक में लिखी हर एक बात कैली को बता देता है। और कैली कहती है वाह मतलब मेरे लिए इसने पूरी बुक रट मारी। और वो हो जाती है उसे थोड़ा बहुत इम्प्रेस। और अपने क्रश के जाने के बाद हार्ली जब अपने घर जाता है तो उसके एक अंकल उससे मिलने आते हैं जो कि अपने बेटे की फोटो हार्ली और एम्बर को दिखाते हैं कि देखो मेरे बेटे ने कितनी तरक्की कर ली। और हार्ली गुस्से में आकर उनके बेटे की बेइज्जती कर देता है। और अंकल माइक गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और एम्बर और हार्ली यहीं पर सो जाते हैं। पर जैसे ही शाम के समय हार्ली उठता है वो क्या देखता है कि उसकी पैंट उतर चुकी है और वो एकदम घबरा जाता है। और हमको समझ में नहीं आता कि वो एकदम घबरा क्यों गया। और वो रोते हुए अपने घर जाने की जगह कैली के पास जाता है और कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही। और वो थोड़ा और दूर चला जाता है और कैली बेचारी उसकी चिंता के चक्कर में उसके पीछे पीछे आ जाती है। कैली उसकी समस्या को जान जाती है और उसके साथ संस्कारी होने के लिए यहीं पर मान जाती है। और दोनों रात भर संस्कारी होते हैं। पर जैसे ही अगले दिन हार्ली की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि वो यहाँ पर अकेले पड़ा, यानी कि कैली यहाँ से जा चुकी है। और वो जैसे ही अपने घर की तरफ लौटता है वो क्या देखता है कि उसकी बहन मिस्टी गन से निशाना लगा रही। और हार्ली का भी गुस्सा होता है, वो कहता है कि तुम ये सब मत करो तुम अभी छोटी हो। तब मिस्टी बोलती है कहाँ मैं छोटी हूँ मेरे तो अब पीरियड्स भी आने लगे। तब हार्ली बोलता है हाँ इस बात को लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में न पूछ ले। वो कहता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारे पीरियड्स का, ये सब बातें तुम जाकर अपनी बड़ी बहन को बताओ। और उसको अपने घर के पास एशली दिखती है जिसके हाथों में खून से लथपथ एक शर्ट होती है। वो पूछता है तुमको ये कहाँ से मिली। तब वो कहती है कि मुझको ये शर्ट बैकयार्ड से मिली। और वो हाथ मुंह धोकर फिर से अपनी जॉब पर चला जाता है जहाँ पर उसको दिखती है अपनी क्रश। और कैली अपने बच्चों को गाड़ी में बैठा कर कहती है कि देखो कल जो भी हुआ वो भूल जाओ, मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया क्योंकि तुम परेशानी में थे, तुम उसके लिए बुरा फील मत करो। तब हार्ली बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत बुरा तो लगा पर मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। कैली कहती है तुमने क्या सोचा मेरे बारे में। तब हार्ली बोलता है ईमानदारी से बताऊं। तब कैली बोलती है हाँ। तब हार्ली कहता है कि मैंने पूरे समय तुम्हारे नितंब के बारे में सोचा। हाँ अब आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं सही कह रहा, आपको लग रहा होगा कि मैंने अपने मन से कह दिया, तो आप खुद ही सुन लो। Your ass. Mostly. My ass. Yeah. You think about my ass a lot? तो आपको मेरी बातों पे यकीन हो गया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी औरत होती तो जबड़े पर पांच उंगलियां छप जाती। पर कैली को ये बात काफी पसंद आती है। वो कहती है कि अभी ये मौका नहीं है ये सब बात करने का, घर आना फिर देखेंगे। और अब बस हार्ली को इंतजार था कि आज जल्दी शाम हो जाए। और जैसे ही शाम होती है हार्ली पहुंच जाता है कैली के घर में और संस्कारी होता है उसी के टेबल में, क्योंकि अकेलेपन से कैली को भी हो रहा था दुख। तो ये दोनों बड़ी खुशी के साथ लेते हैं चरम सुख। पर इस कुछ टाइम के सुख के बाद हो जाता है सवेरा और हार्ली के सामने नजर आता है कैली का चेहरा जो कि उससे कह रही होती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। और अपने घर जाने के बाद वो बाहर बैठकर वो चीज कर रहा होता है जो कि उसने काफी दिनों से नहीं करी, स्माइल। जी हाँ आप उसके चेहरे की खुशी देख सकते हो,
और यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको भी ऐसी खुशी का अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। तभी वहाँ पर एम्बर आती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ पर थे पूरे दिन। मैंने देखा कि मिस्टी के पास $1,000 थे और हार्ली गुस्से में आकर मिस्टी से कहता है कि ये पैसे दो। तो मिस्टी कहती है कि तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, मेरे भी कुछ राइट्स हैं, मैं कानून जानती हूँ, फलाना ठिकाना। तभी एम्बर कहती है वे तेरी ऐसी की तैसी और दो रैप्टे में वो उससे पैसे छीन लेती है। और अब पैसा मिलने के बाद एम्बर की खुशी सातवें आसमान पर होती है। वो कहते कि फाइनली हम मुझको लाइसेंस मिल जाएगा और मैं डैड का ट्रक चला सकूंगी। तब हार्ली बोलता है चल तुम क्या पागल हो, अभी हमको हाउस टैक्स भी भरना है। और अब हार्ली एम्बर से पैसे छिना लेता है और एम्बर उसको फिर से गाली देकर वहाँ से बाहर चली जाती है। हार्ली को जाना था बेटी के पास, ये मनोचिकित्सक बेटी जो कि फिर से उससे सब कुछ उगलवा लेती और वो बेटी को अपने नए नए प्यार के बारे में बताता है। पर जैसे ही टॉपिक उसकी बहन पर आता है एम्बर पर, उसको वहाँ पर अजीब फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे वो अपने घर जाता है वो क्या देखता है कि एम्बर का बॉयफ्रेंड उसको यहाँ से लेने आया। वो एम्बर से कहता है कि इसके साथ मत जाओ। तब एम्बर बोलती है कि तुमको मेरी चिंता कब से होने लगी, मैं अब इसी के साथ रहूंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तब एशले बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि एम्बर यहाँ से जाए। तब हार्ली बोलता है कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों में अपने आप ही आ जाएगी, उसका हमेशा का है, क्योंकि वो जिन लड़कों को चुनती है उन लड़कों का स्वार्थ खत्म होने के बाद वो उसको अकेला छोड़ देते। और अब वो एशले को शांत करने के लिए उससे बात करता है। यहाँ पर मिस्टी नहीं होती क्योंकि वो अपने अंकल माइक के पास गई। एशले बोलती है कि मिस्टी मुझसे हमेशा कहती कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम कभी भी सीक्रेट रिवील नहीं करती। तब हार्ली बोलता है कौन सा सीक्रेट। तब एशले बोलते हैं कि मैं तुमको क्यों बताऊं, वो एक सीक्रेट है। तब हार्ली बोलता है कि अच्छा थोड़ा बहुत तो बताओ। तब एशले बोलते हैं ये बात डैड की मौत के बारे में है। और यहाँ पर हार्ली के कान खड़े हो जाते हैं कि यह क्या कहना चाह रही। वो पूछता है अच्छा सही से बताओ, जब मम्मी ने पापा को गोली मारी थी तब तुमने उनको ऐसा करते हुए देखा था। तब एशले बोलती है नहीं, पर जब मुझको आवाज आई थी तब मैं उस कमरे में गई थी और वहाँ पर मिस्टी भी थी, मिस्टी जो कि पापा को गले लगाकर रो रही थी, और तभी मम्मी ने मिस्टी की शर्ट उतार कर जला दी पर वो आती ही जल पाई। तब हार्ली बोलता है तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। तब एशले बोलती है क्योंकि मेरे से पुलिस ने पूछा ही नहीं। और अब हार्ली को दाल में काफी कुछ काला लगता है और वो इन सभी सवालों को लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है और वो हुक्का पानी लेकर अपनी माँ के ऊपर चढ़ जाता है कि मुझको पूरी सच्चाई बताओ, मिस्टी को $1,000 मिले थे अपने घर से। तब उसकी माँ बोलती है शायद वो पैसे तुम्हारे पापा के होंगे। हार्ली बोलता है कि आप मुझको पूरा सच नहीं बता रही हो, खुल के बताओ नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपनी किसी भी बहन की परवाह नहीं करूंगा। तब उसकी माँ बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब हार्ली बोलता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, आप उसको सच्चाई बताओ कि मिस्टी और पापा के बीच में क्या हुआ था। और उसकी माँ उसको कुछ भी नहीं बताना चाहती। तब हार्ली बोलता है कि मुझको मालूम है कि उस दिन मिस्टी वहीं पर थी और मुझे मालूम है कि मिस्टी ने ही पापा को मारा, तो आपने उसका ब्लेम अपने सिर पर क्यों लिया। तभी उसकी माँ आती है गुस्से में और कहती है कि मिस्टी तुम्हारे पापा को नहीं मारना चाहती थी क्योंकि वो मारना चाहती थी मुझे, क्योंकि वो मुझसे जेलस फील करती थी। और हार्ली आ जाता है गुस्से में कि तुमने उसका ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया और मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। और तभी माहौल गर्म होने के बाद पुलिस इन दोनों को अलग कर देती है। और तभी हमको सीन दिखाया जाता है हार्ली के घर का जहाँ पर एम्बर वापस आ चुकी है जैसा कि हार्ली ने कहा था। पर वो हार्ली के सामने स्मार्ट बनती है कि मैं तो अपनी बहनों की परवाह करती हूँ इसलिए आई। पर हार्ली कहता है कि वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको मारा। और हार्ली अपने घर में रखी गन को लेकर कैली से मिलने जाता है। कैली कहते हैं तुम क्या सड़ी हो, तुम ऐसे कभी मुंह उठाकर मेरे पास आ जाते, मेरा पति यहाँ पर है, तुम चाहते हो यहाँ पर महाभारत हो जाए और सबको हमारे बारे में मालूम चल जाए। और वो बोलती है जब मेरा मिलने का मन करेगा तब मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम ऐसे झटके से आकर मेरी हालत मत खराब करो, कृपया यहाँ से जाओ। और वो नहा धोकर फिर से अपने काम पर लग जाता है। और उससे एम्बर मिलने आती है, वो कहता है कि अपना पूरा सामान लेकर अब अपने ही घर में रहो। और वो अपना पूरा सामान लाकर हार्ली के साथ घर की ओर निकल जाती है। और यहाँ पर एकदम अंधेरा छा जाता है और हम लोग क्या देखते हैं कि हार्ली की फिर से पैंट उतर गई। और यहाँ पर होती है एम्बर और हार्ली को काफी खराब सा फील होता है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, ये काफी गलत है। और वो बच्चों की तरह रोने लगता है। वो कहता है एम्बर से तुम भाड़ में जाओ, तुम कैसी बहन हो, अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। तब एम्बर बोलती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों करते जैसे कि मैं तुमको पसंद नहीं हूं। पर हार्ली वहां से गुस्से में चला जाता है और एम्बर यहां पर रोने लगती है। और हार्ली जाता है बेटी के पास जो कि फिर से उससे सब कुछ उगलवा लेती। हार्ली बताता है बेटी को कि जब बचपन में मेरे पापा मुझे और मेरी बहनों को मारा करते थे तब एम्बर रोते हुए मेरे पास आ जाती थी और मुझे छूने की कोशिश करती थी, मुझे लगता था कि ये सब आम बात है, पर जब मैं बड़ा हुआ तब मुझको मालूम चला कि ये काफी गलत था। एम्बर चाहती थी कि मैं किसी और को ना देखकर सिर्फ उसी के साथ रहूं और इसलिए मुझको एम्बर से हमेशा घिन आती थी। तब बेटी उससे कहती है कि बचपन में जो हुआ वो तुम्हारी परिस्थिति थी और एम्बर अपने उस स्ट्रेस को जो कि उसको बचपन में मिला था उसको कम करने के लिए तुम्हारे पास आती थी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, पर तुम किसी लड़की
को ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब एम्बर को गम है कि तुमने उसको रिजेक्ट किया, तो वो काफी दुखी है। और वो बेटी को एक और बात बताता है कि उसके पापा को मारने वाली मिस्टी है। तब बेटी को हार्ली की परिस्थिति काफी बुरी लगती है। वो कहते है कि तुम कुछ दिनों तक काम पर मत जाना, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। और जब हार्ली थोड़ा बहुत शांत हो जाता है तो वो अपने घर जाता है जहाँ पर एम्बर नहीं होती और उसकी छोटी बहन एशली, जिसकी केयर अंकल माइक कर रहे, और घर में यहाँ पर होती है मिस्टी। अब उसको मालूम तो है कि मिस्टी ने क्या किया था, पर वो मिस्टी से घुमा फिरा कर पूछता है। वो कहता है कि हमारे पापा हमसे काफी प्यार करते थे। तब मिस्टी गुस्से में कहती है कि नहीं, वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो सिर्फ प्यार करते थे हमारी माँ से, और वो सिर्फ हमको मारते थे, पर हमारी माँ ने कभी भी उनको नहीं रोका। और यहाँ पर हम सभी को समझ में आ जाता है कि मिस्टी ने अपनी माँ को मारने की कोशिश क्यों करी, क्योंकि उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसके पापा उसकी माँ से प्यार क्यों करते और उसकी माँ उनको हम लोग को मारने से क्यों नहीं रोकती। और जब वो अपनी माँ को मारना चाहती थी तो उसने गलती से अपने पापा को मार दिया। हार्ली बोलता है कि मुझको मालूम है कि तुमने क्या किया था। तो मिस्टी बोलती है तो तुम क्या उखाड़ लोगे, और इतना कहकर वो चुपचाप से टीवी देखने लगती है। और तभी हार्ली को समझ में नहीं आता कि एम्बर कहाँ पर गई और आज ही उससे मिलने के लिए कैली आने वाली थी उसके बैकयार्ड में। और वो जैसी वहाँ पर जाता है, वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी है, और ये लाश किसी और की नहीं साक्षात कैली की होती है। और कैली को मारने वाली थी एम्बर। एम्बर ने मारा कैली को क्योंकि एम्बर फील कर रही थी जेलस कि उसका भाई जिससे वो प्यार करती है वो आखिर कैली से प्यार क्यों करता है। और अब हार्ले की बुद्धि काम करना बंद हो जाती है कि साला यहाँ पर खिचड़ी पक गई, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, बस सब मिलकर मेरी लाइफ के बड़े बड़े एल लगा रहे। और वो रोते हुए कैली की हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। पुलिस को मालूम था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या कर सकते जब सामने वाला बंदा सच्चाई बता ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैंने मारा, तो पुलिस कहती है ठीक है भैया, जब तुझे खुद ही अपने जिंदगी बर्बाद करना है तो हम लोग क्या ही कर सकते। और कुछ समय बाद हार्ली से मिलने बेटी आती है जो कि उससे फिर से सब कुछ उगलवा लेती। हार्ली कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर मुझे अपनी ये वाली लाइफ अपनी पहले वाली लाइफ से काफी अच्छी लग रही, और बेटी को उसके लिए काफी बुरा लगता है। और बस इसी दुखी अवस्था के साथ यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो आपको इस मूवी का नाम मिल जाएगा कमेंट में, पर जब इस वीडियो पर 100 कमेंट हो जाएंगे तो अभी जाकर कमेंट करिए। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता कि हमारी जिंदगी काफी अच्छी चल रही, हमको नहीं मालूम कि किसकी जिंदगी में क्या हो रहा। कई लोगों की परिस्थिति इतनी खराब होती है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपकी जैसी भी लाइफ है उसमें खुश रहिए, और कंप्लेन कम और मेहनत ज्यादा करिए।